कराची यूनिवर्सिटी बम धमाके के हवाले से तहकीकाती इदारों की तफ्तीश का सिलसिला जारी है। तहकीकाती इदारों ने अपने तफ्तीश का सिलसिला वसी कर दिया है और इसके हवाले से अहम इंकशाफात सामने आए हैं। धमाके के हवाले से एनी शाहिदीन का क्या कहना है, आइए इनसे पूछते हैं। मेरा नाम फहाद है, मैं आईबी यूनिवर्सिटी में होता हूँ। अचानक ब्लास्ट की आवाज़ आई है तो हमने कहा कि इदारे के अंदर कुछ ऐसा हुआ है, हम लोग उधर भागे तो इस तरफ बाहर निकले तो धुआं ही धुआं मौजूद था, चीखों पुकार मौजूद थी, अजीब ही मंजर था, समझे खौफ का मंजर था। हमने सोचा शायद PMT ब्लास्ट हुई है। इस तरफ हमारा जहन ही नहीं जा रहा था कि कोई ऐसा गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है कि आग भड़की हुई थी। मैं बिल्कुल जो है वो इसकी वैन के आगे था, मेरी गाड़ी थी, मैं गाड़ी के अंदर था। मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी देखा है तो जैसे ही मैंने ऐसी ग्लैंस किया है राइट साइड की तरफ अपनी तो ये टर्न हुई है, जैसे ही टर्न हुई है गेट की तरफ वैसी ब्लास्ट हुई। तो आग बाहर निकल रही थी, मैंने राउंड अबाउट से फौरन ही गाड़ी मोड़ी है, मैंने गाड़ी जैसे ही मैंने मोड़ी है तो मैंने गाड़ी लगाई है, मैं गाड़ी से निकला हूँ और मैं बस आगे मूव किया है मैंने। तो देखा है मैंने कि जो रेंजर्स पे हमारे एहलकार थे, जवान थे, वो उधर उतरे हैं, उनके हाथ पूरे ज़ख्मी थे, उनकी बाइक भी फट गई थी पूरी आगे से, तो बस वो बेचारे वो भी निकले हैं साथ ही, ज़ख्मी थे सारे। और वो जो गार्ड खड़ा हुआ था गेट पर कंफ्यूजन इंस्टीट्यूट के, वो भी बड़ा ज़ख्मी था। जो रायगीर थे या जो साथ खड़े हुए थे आईबी के सिक्योरिटी वाले थे, वो फौरन ऑन द स्पॉट जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह थे वो पहुँचे, फायर सिलेंडर लेकर आए, जैसे ऑफिसर आग ही आग, धुआं ही धुआं था। यानी थे दो तीन बॉडियां गई हैं एम्बुलेंस में सिक्योरिटी द्वारा, उन्होंने ऑन द स्पॉट एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया था। बिल्कुल सामने मुझे सिर्फ इतना नज़र आया क्योंकि हीट और आग इतनी निकल रही थी, वो सामने से भी निकल रही थी तो शीशा फट चुका था सामने वाला भी। तो ड्राइवर मेरे सामने था आँखों के बिल्कुल, वो भी अनफॉर्चुनेटली उसके सामने उस आग से जल रहा था। अनवर ताज बंगेश, बी न्यूज़, कराची।